दो पुराने दुश्मनों के बीच गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलेंगे। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इंग्लैंड ने अपनी टीम को छांटा और अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया चोट की समस्या से जूझ रही है, जो इंग्लैंड के लिए फायदा साबित हो सकता है। ये बात पक्की है, मैच शानदार होगा। हमने इंग्लैंड में प्रशंसकों से बात की ताकि वे आगे की फाइट के बारे में जान सके। Potential possibility, I am not really sure, but like I would root for Australia to win. For the fact ki Australia agar jeetega to India aur Australia final agar ho, so it will be good for India to prove their true mettle, kyunki Australia apne aap ko world mein kafi cricket mein dominant dikhata hai, aur agar India unhe hara sake to then they can truly be world champs. Australia achhi team hai, Australia jeet sakti hai match. बट इंग्लैंड इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में है और उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो होम टीम है, तो मेरे को ये लगता है कि उनकी जो लाइनअप है ना 1-9 तक सारे बैट्समैन हैं, तो उनकी जो मेन इनिंग होगी वो बैटिंग पे लेंगे पहले, क्योंकि उनकी जो सारे प्लेयर्स हैं वो बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पहली मेरे ख्याल से वो टॉस अगर जीतेंगे तो बैटिंग ही लेंगे। और उनके स्ट्रोक्स वगैरह इतना अच्छा खेल रहे हैं, उनका दो ओपनिंग बैट्समैन इतने स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं, सेंचुरी मार के जाते हैं, तो पर मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें डेविड वार्नर हो गए, उनका प्लस पॉइंट है कि उनका टॉप बॉलर है ओडीआई का, मिशेल स्टार्क सबसे अच्छा बॉलर तो नहीं है ओडीआई का, पर टेस्ट मैचेस में वगैरह इनमें बहुत चलता है वो, तो कर सकते हैं वो, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेल सकती है इस बार। See, I believe Australia should win it because they have a wonderful bowling attack. Mitchell Starc is in red hot form, so I actually hope ki Australia wins. And then there's this personal wish ki India and Australia finals khele, kyunki 2003 mein hum log bahut buri tarah haare the, to maybe a payback as well. But and then Australia has a very good team. Warner is in red hot form. Smith is just one innings away from a sensational knock. So I hope Australia wins. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, इंग्लैंड की जो टीम है बहुत ही फर्निश्ड और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लेकर आई, क्योंकि इंग्लैंड ने आजकल जबकि क्रिकेट उन्होंने एक बर्थ दिया है और आज तक उन्होंने जीता नहीं है वर्ल्ड कप एक भी, तो इस बार चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने इंडिया को भी हराया, इंडिया जस्ट गेट ड्रॉ विद न्यूजीलैंड एंड जस्ट इंडिया इंग्लैंड से ही हारी आई थिंक, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टीम, और उसके जो ओपनर्स हैं वो प्रॉपर खेल रहे हैं, सेंचुरीज मारते हैं और प्रॉपर फॉर्म में है, सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हैव 5 वर्ल्ड कप्स, सो अकॉर्डिंग टू नॉट माई कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू माई विजन, जो मैं गेम देख रहा हूँ डेली, मैच देखता हूँ अपने घर वालों के साथ, जब मैच स्टार्ट होता है आई जस्ट सी द टीवी टिल नाइट, सो इंग्लैंड के बहुत चांसेस है, एंड एक्चुअली 90-10 चांसेस है, 90% ऑफ इंग्लैंड, ओनली 10% ऑफ ऑस्ट्रेलिया।